तो दोस्तों ये है अपनी सोमेश्वर घाटी, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर घाटी है। और देखिए यहाँ का मार्केट, और ये है यहाँ पर फील्ड है हमारा सोमेश्वर का। आज यहाँ पर गेम्स चल रहे हैं तो इसलिए सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। ऊपर हॉस्पिटल है यहाँ पे, और कॉलेज भी इधर ही है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी इधर ही है, सब कुछ है। ये फलिया गाँव है अपना, और इधर दलमोड़ी बोलते हैं, और इधर है मार्केट है, ये मार्केट हो गया। सारे पहाड़ से घिरा पड़ा है यार सोमेश्वर, ये देख लीजिए मेन मार्केट हमारी उधर है। और ऊपर जाती कौसानी को, ऊपर जाता है रानीखेत को। तो दोस्तों ये है श्री सिद्धपीठ जयंती माता मंदिर, जो कि सोमेश्वर रेंज में पड़ता है। और हम जा रहे हैं आज अभी सुबह 10 बजे, मेरे साथ है ये दीपक जो आप सामने देख रहे हैं। और यहीं से रास्ता है सोमेश्वर से, थोड़ा आगे जाके हैसड़गांव वाली रूट पर पड़ता है, और जयंती देवी मंदिर के लिए। और कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, रास्ता कुछ अच्छा बना नहीं है क्योंकि रास्ता डेली यूज वाला तो है नहीं, कभी कभी जाते लोग यहाँ पे। और आज हम भी जा रहे हैं तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आज यहाँ दीपक बुरा जी के साथ जाते हुए। तो ये है अपनी सोमेश्वर घाटी, काफ़ी सुंदर एकदम। ये देखिए ये हमारा मेन मार्केट यहाँ पे, और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा पड़ा है। एक पहाड़ इधर है, एक इधर है, और एक जो है यहाँ पे जा रहे हैं हम वो भी है। और सोमेश्वर जो है काफ़ी गहरे घाटी में बसा हुआ है, इसलिए सोमेश्वर घाटी ही बोलते हैं इसको। तो अभी ऊपर से और जाएंगे हम आपको, और अच्छा नज़ारा दिखाएंगे सोमेश्वर का। काफ़ी अच्छी जगह है हमारी सोमेश्वर। सोमेश्वर जो है यहाँ धान की खेती के लिए बहुत फेमस है, यहाँ धान की खेती बड़ी अच्छी होती है, और हरा भरा एरिया है ये पूरा, और एकदम घाटी के रूप में है, बिल्कुल गहरे में। हमारी लोकल मार्केट है। तो रास्ता दिखाते हैं आपको कैसा है, ये देखिए रास्ता। रास्ता कुछ ऐसा है, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अगर मौसम ऐसा नहीं हुआ होता, अगर धूप आती तो काफ़ी दिक्कत आती हमें चढ़ने में, क्योंकि ऊपर से धूप होती और चढ़ने में दिक्कत होती। और देखिए कुछ इस तरह आज का मौसम है, यहाँ पर पूरे बादल लगे पड़े हैं, और छाता हमारे पास रखा है, और बैग में सामान है, केले ले जा रहे हैं मंदिर के लिए, पूजा करेंगे हम, पहली बार जा रहे हैं हमें। तो हम जब पिछले सफर में गए थे मधमेश्वर के सफर में, तो हम वहाँ से कुछ एक ऐसी चीज़ लाए थे जो अभी आपको दिखाते हैं। और ये देख लीजिए, ये एकदम नेचुरल बुरांस, बुरांस का जूस है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, एकदम नेचुरल है क्योंकि बहुत दूर से लेके आए हैं मधमेश्वर, एकदम पहाड़ों से, और एकदम नेचुरल बना हुआ है, और इसको पी के एकदम एनर्जी आ रही है। और अभी एनर्जी दिखाते हैं हम आपको कैसे एनर्जी आ गई हमें ये पी के, और देखते रहिए आप। सफ़र में कम से कम पानी की बोतल आप ज़रूर रखें जब भी आपको कहीं जाना है, और ऐसे ट्रैकिंग पर जाना है तो आपको ऐसे नेचुरल जो चीज़ें से बने होते हैं जूस वूस, वो चीज़ें ज़रूर रखिए। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आप अवॉइड करिए, और मैगी तो आप खाइए मत इस ट्रिप में। ये जो नीचे दो लेडीज जा रही थी घास लेके, ये बता रही कि पानी की बहुत दिक्कत है वहाँ पे, तो हमने कहा पानी की बोतल तो हम दो ले जा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे, तो ये लोग बोल रहे कि दिक्कत बहुत आएगी, तो मैं इससे कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 5 लीटर कैन ले जाना पड़ेगा पानी भर के, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत समस्या है, काफ़ी चढ़ाई में है, पानी तो होगा नहीं वहाँ पर। तो देखते हैं जितना पानी ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, ज़्यादा नहीं पीना है, काम चलाना है हमें। और रास्ता यही है जिस पर हम चल रहे हैं, ये रास्ता है।
ऑलमोस्ट हमने आधी चढ़ाई तो पार कर दी है और नीचे समय सर आपको ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत है। वो देखिए यह है मंदिर, यहाँ पे जयंती माता मंदिर। और यहाँ पर हमारे दोस्त दीपक जी बोरा जी यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इनसे पूछते हैं थोड़ी इनकी राय पूछते हैं कैसे लग रहा है इनको यहाँ के। बताइए जी क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? काफी अच्छा लग रहा है, मैंने 5 दिन यहाँ पे समस्या करी है तो काफी मन को काफी शांति मिल रही है। मन को शांति मिल रही है, हाँ काफी अच्छा लग रहा है। और यह यहाँ पर मेन गेट, तो यहाँ से हम चलते हैं आपको दिखाते हैं अभी मंदिर। यहाँ पे यहाँ है हमारे माता रानी का मंदिर, अंदर माता जी की मूर्ति है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं अच्छे से पूजा पाठ करिए। और ये मंदिर का चारों तरफ का ये है प्रांगण हमारा। यार इतना नजदीक होके हम कभी आए नहीं यहाँ पे, आज पहली बार आ रहे हैं। हमें इतने साल हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, हम छोटे से इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज पहली बार इस मंदिर में आ रहे हैं। वही है ना, नज़दीक की चीज़ें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लोग इतना दूर दूर जाते हैं, कोई कहीं जाएगा घूमने, बद्रीनाथ जाएगा, केदारनाथ जाएगा, वहाँ जाएगा, लेकिन अपने नज़दीक के जो मंदिर है, इतनी अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं आ पाते। तो इसलिए हम आज आए हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज मुझे बोरा जी, दीपक बोरा जी के साथ यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी काफ़ी तमन्ना थी यहाँ पर आने की, तो इन्होंने बोला चलो दीपक चलते हैं आज इस मंदिर में। तो हमने भी कहा चलो चलते हैं, तो हमारा ये प्लान बनाया था बहुत टाइम पहले, एक हफ्ते पहले बना था ये टाइम। सैटरडे संडे तो। और सुना दीपक जी, तो आपको यहाँ आके भूख लग रही नहीं लग रही है बताइए? भूख तो भी लगनी थी अभी, तो अभी तो उसमें नाश्ता करके आए हुए, वैसे भी आज तो, अरे आज तो हमारा त्यौहार भी है, त्यौहार भाई खतड़वा त्यौहार जो कि कुमाऊं में मनाया जाता है, स्पेशल कुमाऊं त्यौहार है ये, गढ़वाल में नहीं मनाया जाता, कुमाऊं में मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा त्यौहार होता है, शाम को भी जलाया जाएगा, खतड़वा जलाया जाएगा, उस पर खीरा काटा जाएगा, खीरा खाएंगे और वहाँ से फिर आग जलाया जाता है, फिर आग को लाते हैं घर में, क्योंकि आज से जो बोलते हैं कि ठंड के दिन स्टार्ट हो जाते हैं, जो ठंड के दिन होते हैं, तो इसलिए तो सोच लीजिए आज आपसे ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं। पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी, फिर कभी सोच रहा अगर यहाँ कभी बर्फ़ पड़े तो तब भी आएंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो ब्लॉग है अभी ये जयंती माता मंदिर पे शुरू किया हमने, तो जयंती माता मंदिर पे पहुँच चुके हैं जो कि सोमेश्वर घाटी में पड़ता है और काफ़ी हाइट पर है ये मंदिर। और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है, सोमेश्वर का हो गया, कौसानी हो गया और नीचे तनमन वाली एरिया हो गया और इधर भैसड़ा गाँव वाली रोड हो गई वाला सारा एरिया बड़ा अच्छा दिखता है। और ये जो मंदिर है माता रानी का मंदिर है और यहाँ पर एक बाबा जी भी रहते हैं, अभी आज तो है नहीं, कहीं बता रहे कि कहीं और गए हों, तो हम फिलहाल हम दोनों ही हैं यहाँ पर दीपक और मैं, तो खाने का तो कुछ है नहीं हमारे पास अभी बंदोबस्त, तो देखते अभी नीचे मार्केट में जाएंगे वहीं खाएंगे। तब तक देखिए आप यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा पड़ा है यहाँ पर और आसमान में एकदम बारिश का माहौल हो रहा है, बादल लगे पड़े हैं आसमान में, बिल्कुल काले काले बादल, बारिश भी हुई है अभी थोड़ी देर पहले, बारिश हुई है, अब बारिश थोड़ी अब कम हो चुकी है। तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मंदिर है, आपको यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ आके आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं और गए हो, जंगल में गए हो, यहाँ आके लगेगा एकदम आपको पीसफुल माइंड, एकदम शांति लगेगी यहाँ पर। ओह हमें तो काफ़ी शांति महसूस हो रही, मन तो कर रहा है यहाँ पर बैठ जाऊँ, यहाँ पर तपस्या कर लूँ थोड़ी, काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी तक यहाँ पर पानी से पूरा भीग रखा था तो अब थोड़ा सूखने लग गया, तो अब हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून यहाँ पर मेरे सामने मिल रहा है और आप देख सकते हैं जैसे मौसम यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो अभी नीचे हम अभी आए हुए थे बट लेकिन मौसम इतना खुला हुआ नहीं था, बट यहाँ पर जैसे हम आए तो काफ़ी मौसम काफ़ी बहुत प्यारा होगा, बारिश भी हो रही है और काफ़ी आंवला वाला भी हमने खा लिया है, इन्होंने काफ़ी आंवला खा लिया यहाँ पर, इनको ये खाने के बड़े शौकीन है, तो जब भी ये कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो नेचुरल चीज़ों के प्रति काफ़ी इनको लगाव है, तो ऐसी जहाँ मिलती है ये खूब खाते हैं और अच्छा भी है, ये चीज़ें खानी भी चाहिए, शरीर के लिए अच्छा रहता है, नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास तो लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह मिलती नहीं है। और देख सकते हैं आप एकदम बारिश से बिल्कुल ठंडा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हाफ टी शर्ट पहन के आ रखा था तो ठंडा बहुत हो रहा है,
और लग रहे हैं नहीं खाता, मैंने वहाँ पे रखा, बैग के अंदर रखा है, अभी थोड़ी देर में लूंगा। अभी हम पूछ रहे थे यहाँ से, तो काफी अच्छा मंदिर है। ये यहाँ धर्मशाला ताला लगा पड़ा है, बाबा जी बता रहे हैं कि बाबा जी है नहीं यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे बाबा जी, यहाँ पर खाना ना यहीं पर बनाते हैं हमें। ये फूल है, हाँ कितने अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं यहाँ पे बाबा जी ने, इतने हाइट में भी देखो। दोस्तों ये जो आपको अभी नज़ारा दिख रहा है, ये है हमारे समस्तर एरिया एरिया का नज़ारा है, और ये है हमारे डिग्री कॉलेज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी लगी है, और नीचे वो जो रोड है उसी वाली रोड है जो अल्मोड़ा को जाती है। और अभी आपको दूसरे साइड से भी दिखाते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये है कौसानी की रोड, तो यहीं से कौसानी पड़ता है हमारा। जो आपको पीछे पहाड़ी दिख रहे हैं कौसानी एरिया है, और ये चौंक से होते हुए ऊपर कौसानी जा सकते हैं। देखते रहिए कितना अच्छा नज़ारा है, ऊपर बादल लगे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अभी नीचे आने वाले बादल। निकलते हैं घर को और दर्शन कर लिए, काफी अच्छे दर्शन हो गए और निकलते हैं हम घर को। और कोई है नहीं यहाँ, बाबा जी भी है नहीं, तो रुक के ज्यादा कोई फायदा है नहीं, और घर जाते हैं आराम से, खाना आना घर पे खाएंगे, दर्शन हो गए अच्छे से, और विदा लेते हैं आपको।